नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं मानक चावला एनिमल आवास यूट्यूब चैनल से आपको सबसे पहले तो दिवाली आने वाली है तो दिवाली की बहुत बधाई देता हूँ। मैं कामना करता हूँ कि इस दिवाली आपका पशु ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे, जिससे आपके पशु की स्वास्थ्य में बढ़ावा हो और उसकी दूध के उत्पादन में बढ़ावा हो। तो आज हम लेके आए हैं एक बहुत ही बढ़िया वीडियो। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर पशुपालकों की ये परेशानी रहती है कि उनकी गाय या भैंस, उनका जो पशु होता है वो हीट में नहीं आ रहा होता तो गाभिन नहीं होता, जिससे उनका जो दूध का उत्पादन है उससे फ़र्क पड़ता है। तो ये बिल्कुल देसी नुस्खा है, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। पशुपालक ज़्यादातर क्या करते हैं, जब हीट में नहीं आता पशु तो उसको इंजेक्शन लगवा देते हैं या दवाई देते हैं, जो हम बिल्कुल सलाह नहीं देते क्योंकि वो थोड़ा हानिकारक होता है। आपको जो मैं नुस्खा बताने जा रहा हूँ वो उसके सारी जो सामग्री है, उसके जो सारा सामान है, आपके बिल्कुल किचन में मिल जाएगा, घर की रसोई में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का नुस्खा क्या है, जिससे आपका पशु हीट में आएगा और बिल्कुल बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आएगा। तो पशुपालक साथियों, पशु को हीट में लाने का जो नुस्खा है वो ऐसा है कुछ कि सबसे पहले आपको ये रोटी ले लेनी है। ये कोई भी कैसे भी रात की रोटी हो, सुबह की रोटी हो, चल जाएगा। पशु को देनी है हमें ताज़ी, ये तो मैंने ताज़ी बनाई है। उसके बाद आप क्या करें, ये सरसों का तेल है, ये सरसों का तेल है, इस सरसों के तेल को रोटी के ऊपर लगा दें। अच्छे से रोटी के ऊपर लगा दें ताकि रोटी पूरी सरसों के तेल में भीग जाए। ये अपना रोटी पूरी सरसों के तेल में भीग गई। ठीक है, उसके बाद ले लें 4-5 खजूर, सूखे खजूर के पीस। ठीक है, इनको काट के हमें रोटी के ऊपर रखना है। खजूर के पीस मैं आपको काट के दिखा देता हूँ। ये पहले छोटा सा इसमें कट मार लो और उसके बाद अपने आप ये हो जाएगा। थोड़ी मेहनत लगेगी इसमें, बट ये हो जाएगा। ये खजूर के पीस हम डाल दे रहे हैं। पशुपालक साथी, आपको देना कैसे है मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ जब तक मैं इसे बना रहा हूँ। ये आपको लगातार 7 दिन देना है अपने पशु को, अपनी गाय को या भैंस को, और जैसे ही आप खिलाएंगे 7 दिन बाद दिखेगा आपका पशु जो है वो तो क्या बोलते हैं, आवाज़ देने लगेगा, तार से ये बता देगा कि वो हीट में आने वाला है या हीट में आ चुका है। आपको पता चल जाएगा कि पशु हीट में है तो आप उसका टीका करवा सकते हैं, या फिर आपको अगर कोई बुल छोड़ना है तो आप बुल भी छोड़ सकते हैं। थोड़ा मुश्किल है काटना, बस मैं ये लास्ट देखो, ये मैंने खजूर काट लिए हैं खजूर। अब लेनी है 5 से 6 कली लहसुन की बड़ी बड़ी और लगभग 100 ग्राम गुड़। पहले गुड़ तोड़ लेते हैं, उसके बाद लहसुन काट के दिखा देंगे आपको। लहसुन डाल लेंगे थोड़ा सा, ये इसको थोड़ा सा तोड़ के ये मैंने गुड़ भी इसके ऊपर डाल लिया है, जिसमें अभी तक हमने रोटी के ऊपर अच्छे से सरसों तेल की मालिश करके, सरसों तेल लगा के उसके ऊपर छुआरे और गुड़ रखा है लगभग। अब हमें लहसुन काटने हैं। लहसुन मैंने कटे रखे हुए हैं, ये लहसुन कटे हुए थोड़े मैंने रखे हुए हैं, ये भी आपको डाल लेना है रोटी के ऊपर ही। ये देखिए, ये हमारा नुस्खा बस बन के तैयार है। लहसुन, सरसों का तेल, छुआरे और गुड़, ये सब हमने एक रोटी के ऊपर रख दिया है। अब इसको मोड़ लेंगे और ये ऐसी का ऐसी पशु को खिला देना, पशु बड़े चाव से इसे खाएगा। आप पशु को इसको 7 दिन दीजिए और देखिएगा कि पशु आवाज़ देने लगेगा कि वो हीट में आ गया, या तार से बता देगा कि वो हीट में आ गया है। ज़्यादातर पशुपालक क्या करते हैं, इंजेक्शन लगवा देते हैं, जो आपकी हानिकारक होता है, वो ऐसा ना करें। और हमें ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और एनिमल आवाज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। किसान भाइयों और बहनों, पशुपालन क्षेत्र में अपनी उन्नति को मजबूत बनाएं, एनिमल आवाज़ के साथ जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।